जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 06584 लातूर यशवंतपुर कोविड विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफ़र किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन लातूर और यशवंतपुर जंक्शन स्टेशन के बीच रविवार, गुरुवार और शनिवार को चलती है। ट्रेन 19 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 854 किलोमीटर की दूरी लगभग 17 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों प्रकार के लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूं। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले लातूर स्टेशन पर आकर रुक जाती है और दोपहर 3 बजे रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट लातूर रोड जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 3:35 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट उदगीर स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 4:14 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट भालकी स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 4:54 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट बीदर स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 6 बजे पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवां हॉल्ट जहीराबाद स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 6:29 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट विकाराबाद जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 7:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 15 मिनट रुकती है। यहां पर ट्रेन का लोकोमोटिव बदला जाता है और यहां से ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट तांडूर स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 8:54 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट सैडम स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 9:29 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट चित्तापुर स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 9:55 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट नालवार स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 10:34 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का ग्यारहवां हॉल्ट यादगिर स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 10:59 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट सैदापुर स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 11:19 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट रायचूर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्य रात्रि 12:04 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट मंत्रालयम रोड स्टेशन है और यहां ट्रेन मध्य रात्रि 12:34 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट गुंतकल जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 1:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट धर्मवरम जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 4:15 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट हिंदूपुर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 5:28 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट गौरीबिदनूर स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 5:54 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट यलहंका जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 6:53 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां और आखिरी हॉल्ट यशवंतपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 7:40 पर पहुंचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। किराए की जानकारी आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट टोटल ट्रेन इन्फो पर फॉलो करना न भूले। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।